दोस्तों नमस्कार, सेलेक्ट आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये क्यों न्यूज़ में है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर न्यूज़ में क्यों है। और लगभग आप हर एक दो महीने के बाद देखेंगे कि ये न्यूज़ में रहता है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, और काफ़ी कंट्रोवर्सी से रिलीज होता है, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी बनता है। तो कंट्रोवर्सी क्यों बनता है, क्यों आखिर इस पर डिबेट होते रहता है कि सेंसरशिप ये क्यों करती है जब किसी का काम है सर्टिफिकेशन देना, तो हर चीज़ को, हर मुद्दे को इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो न्यूज़ में है, न्यूज़ में इसलिए है कि ओ माय गॉड 2 जो रिलीज होने वाला है 11 अगस्त को, आप सभी को पता होगा क्योंकि आप सभी मूवी में इंटरेस्टेड होते हैं, इसको ए सर्टिफिकेशन का दर्जा दिया गया है। ए सर्टिफिकेशन का मतलब होता है इसको सिर्फ एडल्ट लोग देख पाएगा, ठीक है, बच्चे इसको नहीं देख पाएंगे। तो क्यों ऐसा हुआ है ये तो हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, कुछ इसमें रहा होगा। इसमें एक्चुअली आपका ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ओ माय गॉड के जो डायरेक्टर हैं उनको बोला कि आप इसमें चेंज करिए मूवी में, अगर आप बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे तब इसको यूनिवर्सल का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बोला कि अगर पूरा चेंज कर देंगे तो फिल्म का मोटिव ही चेंज हो जाएगा। तो बोला कि ठीक है, अगर आप नहीं करोगे इसको ए सर्टिफिकेशन का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, फिर भी कुछ मॉडिफिकेशन इसमें हुआ है। तो हर आयाम को हम लोग इसमें समझेंगे और डिस्कस करेंगे और पूरा कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर लेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि CBFC क्या है। ये एक आपका स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडी का मतलब हुआ है कि पार्लियामेंट एक्ट के तहत इसको बनाता है, पार्लियामेंट में कानून के तहत इसको बनाया जाता है। फिर एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है संविधान में संशोधन करके बनाया जाता है। ठीक है, एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद बैठते हैं और बोलते हैं चलो एक नया संगठन बनाते हैं, जैसे नीति आयोग। नीति आयोग जो है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो स्टेचुरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। तो इतना स्पष्ट है आपको कि CBFC जो है आपका स्टेचुरी बॉडी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंतर्गत पड़ता है। तो आप ये बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के मंत्री कौन है। इसके मंत्री जो है आपके अनुराग ठाकुर हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को ये संभाल रहे हैं। तो ये जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को स्टेचुरी बॉडी बनाया गया, तो किस एक्ट के तहत बनाया गया। इसको सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत बनाया गया था। ठीक है, ये सबको ध्यान में रखना है। अब देखिए, कोई भी जो मूवी है इंडिया में, कोई भी मूवी तभी पब्लिश होगा जब आपको CBFC जो है उसको पास कर देगा, जब CBFC उसको सर्टिफाइड कर देगा। विदाउट सर्टिफाइड के कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो सकता। अब जब भी किसी मूवी को देखते हैं तो आप देखिएगा वहाँ लिखा रहेगा CBFC इसको सर्टिफाइड किया हुआ है। ठीक है, हर मूवी में ये आपका मिल जाएगा लगभग, जो भी मूवी होता है। OTT पे जो आता है उसमें नहीं होगा। OTT को भी मैं आपको बताऊंगा अभी, OTT क्या है, क्यों जो न्यूज़ में, क्यों उस पर कॉन्ट्रोवर्सी बना रहता है, सबको हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसका रीजनल ऑफिस टोटल 9 रीजनल ऑफिस है। मुंबई में है आपका, कोलकाता में, चेन्नई में, बैंगलोर में, तिरुवनंतपुरम में, हैदराबाद में, न्यू दिल्ली में, कटक में, गुवाहाटी में, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका ये मुंबई में है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में, और मुंबई में होना भी चाहिए क्योंकि मुंबई जो आपका मूवी का हब माना जाता है। ये तो मैं बता ही दिया हूँ कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए कि सेंसरशिप का मामला क्या होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, इसका काम है आपका सर्टिफाइड करना मूवी को यूनिवर्सल ग्रेड देना, ए देना। ठीक है, और भी एक दो ग्रेड होता है, इसका काम है सर्टिफाइड करना। लेकिन कंट्रोवर्सी यह होता है कि सेंसरशिप करता है। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि किसी के मुंह पे आप ताला मार रहे हैं, इसको बोलते हैं सेंसरशिप करना। आप किसी भी चीज़ को पाबंदी कर रहे हैं, दिखाने से मना कर रहे हैं और उसको कट कर रहे हैं, कैंची चला रहे हैं। कैंची चलाने को बोलते हैं सेंसरशिप करना। समझ गया, असल भाषा में जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, जो भी स्वतंत्रता सेनानी अखबार निकालता था, पत्रिका निकालता था, जो कि देश से संबंधित होता था, तो ब्रिटिश लोग क्या करता था, उस पर सेंसरशिप करता था। अभी मैं आपको आज़ाद भारत के बारे में बता रहा हूँ। इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के समय में, तो प्रेस का सेंसरशिप हुआ था। सेंसरशिप का मतलब क्या, जो भी चीज़ पब्लिश किया जाएगा प्रेस में वो गवर्नमेंट के मॉनिटर के बाद किया जाएगा। गवर्नमेंट पहले उसको चेक करेगी, तब आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। सेंसरशिप का मतलब यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो भी मूवी आएगा उसको चेक करके और जो उसमें कट करना है कट कर दें, उसको हटा देंगे, जो आपके लिए सूटेबल होगा बस उसी को आप रिलीज करेंगे। इसी का क्रिटिसिज्म होता है कि आपका काम है सर्टिफाइड करना लेकिन आप करते हैं सेंसरशिप। काफ़ी इस पर आलोचना होता है, और सेंसरशिप करने से फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, दोनों एस्पेक्ट होता है। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि पक्षपात होता है, ये मतलब कि एक ही समूह के जो मूवी होते हैं, जैसे कि अभी देखिए ये जो आपका ओ माय गॉड है, ये एक्चुअली हिंदू देवी लोगों का, बहुत सारे आलोचकों का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं पर खासकर ये मूवी बनाया गया है। और आप देखिएगा, इंडिया में ट्रेडिशन है कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बना दिया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि हिंदू जो है लिबरल होते हैं, किसी और धर्म के पे कभी कोई मूवी नहीं बनता है। ठीक है, ये भी एक डिबेट का इशू है कि आप देखिए, धर्म जो होता है, रिलीजन जो होता है, हर व्यक्ति का पर्सनल इशू है, आप इसको खुले मंच पर नहीं प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और किसी भी हर धर्म में कमी होती ही है, कोई भी धर्म इस दुनिया में हर जगह कमी होती है। तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि एक धर्म एक
किसी एक धर्म का मानने वाले का आप जो प्रॉब्लम है उसको आप खुले मंच पे दिखा रहे हैं और बाकी का दिखाने का आपके पास हिम्मत नहीं है। यही चीज़ क्रिटिसिज्म होता है कि हिंदू देवी देवताओं को क्यों आप मतलब इतना ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहे हैं और इतना नेगेटिव चित्रण कर रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी हमेशा बना ही रहता है, ठीक है। तो जो भी है इस पर मेरा अपना मुद्दा है कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट क्या है, क्यों ये हमेशा न्यूज़ में रहता है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखिए, ये जो सर्टिफाइड करता है चार चीज़ देता है। एक तो यू देता है, यू का मतलब कि मूवी पूरी तरह से सही है, सब कोई इसको देख सकता है, यूनिवर्सल पब्लिक एग्जीबिशन, ठीक है। फिर होता है यूए, अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन बट विथ ए वर्ड ऑफ कॉशन दैट डिस्क्रेशन रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन बिलो 12, मतलब कि कुछ थोड़ा सा कॉशन के साथ। फिर होता है ए होता है रिस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट, मतलब कि सिर्फ एडल्ट के लिए वो है, जो लोग एडल्ट हैं, जो लोग बड़े हैं सिर्फ वही देख सकते हैं, बच्चे नहीं देख सकते। देखिए, जो भी पॉर्नोग्राफी मूवी होता है आपका वहाँ पर भी ए होगा, क्योंकि वो बच्चों के लिए नहीं होता है, ठीक है। फिर आपका एक होता है एस, रिस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन, जैसे कि कोई मूवी है जो वुमेन को नहीं दिखाना है, किसी स्पेशल क्लास को नहीं दिखाना है, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसको बोलते हैं एस। इसने तरह से सर्टिफाइड होता है। तो इसमें क्या हुआ है कि ए सर्टिफिकेशन दिया गया है ओ माई गॉड 2 को। ए सर्टिफाइड क्यों दिया गया है, बहुत सारे उसमें जब ये मूवी सर्टिफिकेशन के लिए गया तो जो भी वहाँ पे बोर्ड में लोग बैठे हुए थे वो बोला कि आपको बहुत सारा कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, इससे एक क्या बोलेंगे, माहौल गर्म हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू पड़ सकता है देश में। तो बोला कि अगर इतना चेंज कर देंगे तो आपको यूनिवर्सल एग्जीबिशन मिलेगा, परमिट मिलेगा। तो बोला कि इतना अगर चेंज कर देंगे तो मूवी का आत्मा ही खत्म हो जाएगा। बोला ठीक है, तो आप कुछ चीज़ को ख़त्म करो, कुछ चीज़ को ख़त्म किया तो उसको ए का सर्टिफिकेशन मिला है। तो इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम से संबंधित। अब देखिए, इसमें काफ़ी टाइम लगता है सर्टिफाइड होने में, देखिए लगभग 68 डे का टाइम लगता है, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट है एक्चुअली ये 68 डे। तो गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है कि जितना जल्दी हो सके फिल्म को सर्टिफाइड करना है। विदेश से सामान आता है आपका पोर्ट पे, इंडियन पोर्ट पे, उसको देश के अंदर आने में 20-25 दिन लग जाता है। इससे क्या हो गया कि हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए देखिए कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है बहुत स्लो हो गया है। इसलिए अभी भारत में आपका कॉरिडोर बन रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, आपका एक्सप्रेस वे बन रहा है, क्यों, क्योंकि कच्चा माल को जो भी आपका पोर्ट में पहुंचे जल्दी से उसको देश के पूरे अंदर पहुंचा दिया जाए। ऐसे ही आपका कोई मूवी मांगने चले सर्टिफिकेशन के लिए आया, आप उसको एक सप्ताह के अंदर सर्टिफाइड करो, विदिन 7 डे सर्टिफाइड करो। इससे क्या होगा आपका कि काम में स्पीड होगा, जल्दी जल्दी मूवी रिलीज होगा, अर्न होगा, समय पर सब कुछ होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है अपना। अब देखिए, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 क्या है, तो इसमें यही है कि ये जो है मूवी से रिलेटेड सब चीज़ को डील करता है, सेंसरशिप करता है। इसमें सेंसर बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया है, इसका काम है कि देखना कि मूवी में कुछ ऐसा तत्व तो नहीं है जिससे समाज का माहौल खराब होगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है तो उस पर सेंसर लगेगा। कोई पोर्नोग्राफी कंटेंट होगा तो उस पर सेंसरशिप होगा। इसलिए देखिएगा मूवी में आपका पोर्नोग्राफी कंटेंट बहुत कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे सेंसरशिप होता है। और इसलिए अभी जो मामला चलता है खासकर OTT प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसमें एक आपका OTT, ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म क्या हुआ, जैसे कि आप यूज़ करते हैं हॉटस्टार यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सब आपका OTT प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारा रफ कंटेंट, खासकर गाली गलौज हो गया, मर्डर हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, ये सब खुलेआम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और हर बच्चा के पास उसका खुला एक्सेस है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह मूवी को सेंसरशिप किया जा रहा है, ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट आ रहा है उसको सेंसरशिप किया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि समाज पर एक नकारात्मक छवि जा सकता है। क्योंकि मूवी क्या है आपका, मूवी जो है एक्सप्रेशन का एक माध्यम है, और लोग इससे बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाता है। देखिएगा कि अगर आप मूवी देख कर निकलते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसे लगता है कि कितना बड़ा इंस्पिरेशन मिल गया है, तत्काल समय के लिए तो जरूर लगता है, फिर भले बाद में लोग नॉर्मल हो जाए, लेकिन उस समय के लिए ये चीज़ हर इंसान को महसूस होता है। इसलिए जो भी मूवी दिखाया जा रहा है बहुत सेंसिटिव के साथ दिखाया जाए, ऐसा नहीं है कि वो इसका इंपैक्ट जो है हमारे समाज पर पड़े, हमारे देश पर पड़े और हमारे युवा वर्ग पर पड़े, क्योंकि युवा वर्ग जो है आपका देश का भविष्य होता है, देश की जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। और अभी देखिए कि OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे नशा का आदत बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है कि वहाँ पर बंदूक रखना, कट्टा रखना, ये सब चीज़ बहुत फैशनेबल दिखाया जाता है OTT प्लेटफॉर्म पर। केरला स्टोरी को ममता बनर्जी जो है बंगाल की मुख्यमंत्री बैन कर दी। क्यों बैन कर दी, उसको ये लगा कि हमारे समाज के सामाजिक सौहार्द के लिए अच्छा नहीं है। इसको बोलते हैं एपीजमेंट पॉलिसी, एपीजमेंट के साथ तुष्टिकरण। इसको जो है एक वोट बैंक को खुश करना था तो वो केरला स्टोरी को बैन लगा दी, ठीक है। तो ऐसा ऐसा आपको बहुत जगह मिल जाएगा। आप वहीं पर जहाँ पर किसी और को तुष्टिकरण करना होता है तो वहाँ पर ये जो मूवी आपका उसको टैक्स फ्री कर देता है, जैसे केरला स्टोरी को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया, ठीक है। ये उसका अपना पॉलिटिक्स है, इसमें नहीं जाते हैं, हर आदमी को तो समझ में आता है कि देश में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, जो भी पढ़े लिखे हैं सबको ये समझ में आता है। लेकिन अगर देखिए एक अच्छे देश का निशान यही होता है कि उस देश में राजनीति जो है निम्न स्तर का नहीं हो। निम्न स्तर का राजनीति का मतलब है कि जो तुष्टिकरण है आपका, कि आप किसी जाति मजहब संप्रदाय के नाम पर किसी का भला कर रहे हैं, ये तुष्टिकरण है, ये नहीं होना चाहिए, ये किसी भी सब समाज का गुण नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी देखिए बंगाल में बैलेंस हुआ, बंगाल में जो भी चीज़ होता है तुष्टिकरण के नाम पे होता है, लेकिन कोई इस पे बोलने को, कोई भी बुद्धिजीवी जो है वर्ग इस पे सवाल नहीं उठाता है।
ये गलत चीज़ है। हर चीज़ पे आप मणिपुर पे भी सवाल उठाइए, आप बंगाल के बैलेंस पे भी सवाल उठाइए, आप राजस्थान पे भी सवाल उठाइए, आप छत्तीसगढ़ पे। यही होता है बुद्धिजीवी का काम, वो दोनों आँख खुला रखता है। ऐसा नहीं कि एक आँख को बंद कर लिए हैं और एक ही आँख से हम देखेंगे, ठीक है। यही चीज़ हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी रहता है। तो मिलिट्री सेंसरशिप हो गया, फिर आपका कि चैलेंजेस क्या है सेंसरशिप में, चैलेंजेस क्या है कि लोगों को लग रखता है कि सेंसरशिप करने से, कैंची चलाने से फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का उल्लंघन हो रहा है। फिर सिलेक्टिव टारगेटिंग करता है, सिलेक्टिव टारगेटिंग का मतलब कि जो भी मान के चलिए कि एक उसके हित में, एक समुदाय के हित में है उसको सपोर्ट किया जाता है, जो एक समुदाय के हित में नहीं है उसको प्रमोट किया जाता है। ये हमेशा इस पर आरोप लगता ही आया है, ठीक है। तो अब देखिए और क्या है, और कैसे मामला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बता ही दिया हूँ। फिर एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो तो ये सब जो आपका मेन इशूज होता है इसमें सेंसरशिप में, तो यही ओवरऑल आपका समझने के लिए था जो मैं आपको बता ही दिया हूँ। तो अब मैं लास्ट में ये बता दूँ कि मुकाबला इनिशिएटिव चल रहा है हमारे सेलेक्ट आईएएस के प्लेटफॉर्म पे, तो इसमें यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए मेंस राइटिंग प्रोग्राम करवाया जा रहा है। जो भी लोग आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से ज्वाइन करके अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करिए, ठीक है। थैंक यू।